अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। आज जुमे का दिन है और मैं सादत नगर अहमद शाह मस्जिद के पास से बोल रहा हूँ। यहाँ की हालत जैसा कि अभी आप मीडिया में देखेंगे, वीडियो में देखेंगे, इससे बस से बदतर हालत है। पिछले एक साल डेढ़ साल से यही हालत है, यहाँ चल नहीं सक रहे, मुसल्लियों को लगातार तकलीफ़ हो रही और मिनाल का पानी हर दो दिन को भर के जा रहा, हर दो दिन को मिनाल ओवरफ्लो हो रहा और यहाँ से चलना और नमाजियों के लिए बहुत तकलीफ़ की बात हो रही। लिहाजा मैं यहाँ की जलपल्ली म्यूनसिपालिटी से, स्पेशली कमिश्नर साहब से बिल्कुल गुजारिश करूँगा, आप पर्सनली यहाँ पे आए सादत नगर में। ये मिनाल का जो इशू है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, दूसरे भी मोहरियों का मिनालों का इशू है, लेकिन ये बिल्कुल मुसल्लियों का और मस्जिद का इशू है। जैसा कि आप देख रहे हैं अहमद शाह मस्जिद के बाहर, यहाँ पे ये बस्ती की सबसे कदीम मस्जिद है जो कि आज से नहीं 25 साल पुरानी मस्जिद है और जहाँ पे पूरी बस्ती के करीब से करीब 500 से 600 लोग जो है नमाज़ अदा करने के लिए आते, जुमे के लिए ही नहीं, हर नमाज में यहाँ पे माशाल्लाह मस्जिद जो है भरी हुई रहती। तो मुसल्लियों को एक तो परेशानी है, मस्जिद के अंदर नमाज़ अदा नहीं कर सक रहे, इतनी बदबू आ रही, इतनी गंदगी आ रही और बैठ नहीं सक रहे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो लिहाजा हमारे बस्ती के जितने यहाँ के लोग हैं माशाल्लाह से जो है सब मिलकर ये डिसाइड करें कि यहाँ के एक मीडिया में ये आवाज़ पहुँचाएँगे हम, और एक 4 से 5 दिन का हम वक्त देंगे यहाँ पे। हम मैडम से भी रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में, और चेयरमैन साहब से भी जो है बोलेंगे, और कमिश्नर साहब को खुसूसन हम रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे जल्द से जल्द गल्फर मशीन भेजे और इसका परमानेंट सोल्यूशन करे। जैसा कि इससे पहले भी हम मैडम से बात करे थे कि यहाँ पे 2 फीट की बड़ी लाइन का एक कनेक्टिंग पॉइंट दीजिए, जिससे जो है ये छोटी लाइन जो पुरानी है, ये 20 साल पुरानी लाइन है। मैं समझता हूँ जब यहाँ पे 100-200 घर थे, आज 2000 घर हो गए, तो वही लाइन को कंटिन्यू करने के करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, 8 इंच की लाइन कम सफिशिएंट नहीं हो रही। तो लिहाजा हम जल्द से जल्द इसको इमरजेंसी में काम लीजिए आप इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ 2 से 4 दिन में एक जनरल बॉडी मीटिंग है जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की, उसमें इस एरिए के काउंसिलर जो भी जिम्मेदार है उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस काम के लिए पहले यहाँ पर एस्टिमेशन कराइए और ये काम कराइए, ताकि तमाम बस्ती के सादत नगर शाहीन नगर जो 27 वार्ड है उसमें जो है ये यहाँ की आवाम को आसानी हो, चलने फिरने के लिए आसानी हो। लेडीज़ गिर रहे हैं, मासूम बच्चे चल रहे हैं, यहाँ से जा नहीं सक रहे, आप 4-5 गलियाँ भी देखेंगे तो चलने के लिए रास्ता नहीं है। तो लिहाजा मैं बिल्कुल अदबन गुजारिश कर रहा हूँ 4-5 दिन में आप जो है इसका इमीडिएट एक्शन लीजिए और इसका काम कराइए, बड़ी लाइन दलाइए। नहीं होने की सूरत में हम यहाँ पर पार्टी वगैरह कोई नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर मस्जिद के मुसल्लियाँ जितने पूरे सब मिल के बड़े पैमाने पर फिर जो भी करना है हम एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम यहाँ आवाम से भी गुजार आवाम भी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ की तकलीफ सुनाएंगे इंशाल्लाह, आप उनसे भी सुनिए यहाँ की क्या प्रॉब्लम है। जले एक ऐसे जहां में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर, जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां खुदरत के जायकों का मिलाप होता है, मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे की आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोल्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ, जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद।